वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं हैंगिंग ब्रिज। हमारे यहाँ से हमको ब्रह्मावर जाना पड़ेगा क्योंकि हम रहते हैं अंगरकट्टा में। तो वहाँ से हमको बस पकड़ के ब्रह्मावर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से पता नहीं क्या ऑटो पकड़ना पड़ेगा या चल के 50 मिनट्स है। क्या हमारी स्मॉली एथलीट है, चल सकते है ना। कल हम लोग मलपे बीच गए थे, कितना धूप था। तो ठीक है, लेट्स से अभी हम बस इधर। एक बेस्ट पार्ट क्या है पता है कि यहाँ पर ना बस एवरी 5-10 मिनट्स में बस है और एकदम ऐसा चीप जैसा। तो उड़पी जाने के लिए यहाँ से 30 रुपीज और ब्रह्मावर जाने के लिए 10 रुपीज। अभी हम बस का वेट कर रहे हैं, तब तक ब्लॉक कर लेते हैं। पर इधर ना मुंबई जैसा ही ह्यूमिड क्लाइमेट है, पसीना बहुत आता है यहाँ पर बिकॉज बीच है यहाँ पर बाजू में सब। लेट्स सी क्या है, देखते चलो। हमने मस्त खाया पिया, भूख लगा था। ये हमारी बुक्कड़ को ब्रह्मावर से इधर आने को टाइम लगता है, थोड़ा दूर है यहाँ पर भी, पर ठीक है। एक्चुअली ऐसे देखने जाएंगे ना, ठीक है। कैसा ये सब नायल विल का झाड़ रहता है ना, सब एकदम कॉस्टली है रिक्शा वाले वन में। इधर अपने मुंबई में जैसे नहीं 10-20 रुपए में पहुंचा दो। हाँ, इधर कैसा छोटा सा भी किलोमीटर रहेगा ना, इधर किलोमीटर के हिसाब से नहीं चलता है, पता नहीं क्या चलता है। बस भी मेरे को ऐसा लगता है ना बस महंगा ही है, 15-12 रुपए, मतलब एक नॉर्मल डिस्टेंस के हिसाब से। तो हम पहुँच गए हैं, आज लास्ट दिन है, लास्ट दिन में देखते हैं क्या क्या करते हैं। पैसे लिए नहीं है और हम पहुँच गए हैं जो किसके लिए आए थे हम लोग। ब्रिज का नाम क्या है, हैंगिंग ब्रिज। और अपना बॉम्बे में क्या, हिडन गार्डन। हैंगिंग गार्डन है वो, हिडन गार्डन कोलकाता में। तो देखो दिखाता हूँ। हम पहुंच गए हैं, इतना मस्त है ना ये, मेरे कजन बैठा, ये हिलता है पर ये बहुत। तो ये कुछ कितना हैंगिंग ब्रिज है, ये देखो बीच में फुल लो एक कपना है ये। इट इज नाइस बेसिकली, ऐसा किधर अपने इधर भी बनना चाहिए, मजा आ जाएगा। इसमें ना बीच में किसमें कुछ नहीं है, पूरा हवे में है ये बेसिकली। उधर से एक एंडे और इधर एक एंडे। आप पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया। मम्मी ये लोग वीडियो नहीं निकाल रहे मेरा, एक हर बार क्या मैं निकाल देखा मस्त है। हम अंगरखट्टा साइड में रहते हैं, सतरा आगे हम गला, तो वहाँ से हमें बस पकड़ के हमें आना पड़ता है ब्रह्मावर से, फिर ऑटो पकड़ना पड़ता है, फिर ऑटो हमें यहाँ पर लेके आता है। तो थोड़ा सा दूर है पर इट्स वर्थ इट, मतलब ऐसा। और यहाँ पर कोई क्राउड नहीं है ज़्यादा आई बिलीव बिकॉज इट्स वेरी इनसाइड और गाँव में है ये। तो उधर ऑटो को बोलेंगे ना हमें हैंगिंग ब्रिज जान, तो फटाक से लेके आते, वो सामने ही छोड़ता है वहाँ पर। और मस्त है एकदम, यहाँ पर आप देखेंगे ना
सुकून है, एक तरह से लगता है कि आप इफ आप केरला है और केरला के तो बैक वाटर्स कैसा रहता है तो वैसा ही लगता है, पर इट इज़ वेरी क्लीन। और यहाँ पर हम देख रहे थे नीचे ना फिश के सब अंडे और वो सब दिख रहे थे जो बबल में रहता है, और इन लोग मेरे कजिन लोग क्या कर फोन पे बात कर रहे हीरो। और ये देख एक वीडियो निकालने आता नहीं, खुद के बारे में परफेक्ट वीडियोज आते हैं। देखा क्या चल रहा है, देखो मस्त एकदम फीलिंग चलने का, इसमें मजा आता है। और वो बाजू में फिर कोकोनट ट्रीज ब्रिज है। तो चल रही है, क्या हो गया चप्पल को, तो हो गया 10 मिनट में सब कुछ खत्म वीडियोस निकल के। इट इज फाइन, होता कभी कभी आना चाहिए यहाँ पर। इफ आप इस एरिया में कहाँ पर रहते हो तो आप ब्रह्मावर में जाके ऑटो पकड़ सकते हो, और वो साइड से मेरे को पता नहीं, मतलब उड़पी साइड से वहां से भी एक ऑटो रहेगा। तो अभी वी आर डन। और सबसे वर्स्ट पार्ट क्या पता है, ऑटो तुम्हें यहाँ पर छोड़ेगा पर लेने के लिए कुछ नहीं है। आई बिलीव वी हैव टू वॉक ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। सो मिलती हो नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट बेबी। ये है M Town, U Town, उड़पी टाउन।